नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीट लेवल सेकेंड SST सब्जेक्ट के यूनिट सेकेंड का टेस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनानी शासक सेल्यूकस ने किसे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को वायु पुराण में कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भद्रसार। अब देखो ऑप्शन ए, अमित्रोचेट्स जो है ये कहा है यूनानी लेखकों ने। फिर है सेन, ये कहा था जैन ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुंफा विलेख के आधार पर अशोक के समय कलिंग का शासक था? तो उस समय कलिंग का शासक था नंदराज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो गणानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविकों के लिए नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दशरथ ने। और अशोक ने 12 बार की पहाड़ियों में नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मौर्य प्रशासन से संबंधित असत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों को महामत्र कहा गया। महामत्र नहीं है ये कहा गया था तीर्थ। महामत्र की जगह होता तीर्थ, तब ये राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय किस न्यायालय में होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय क्या होता था? यह एक फौजदारी न्यायालय होता था। और धर्म स्थानीय जो होता था वो दीवानी न्यायालय होता था। स्थानिक क्या होता था? स्थानिक जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की सफलताओं का वर्णन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समुद्रगुप्त का वर्णन किया था। अब देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसने गुप्त समाज चलाया था। स्कंद गुप्त है इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और कुमारगुप्त जो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, स्कंद गुप्त ने किसे पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियों का स्थान गौण था, गौण नहीं था बल्कि क्या था, मुख्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समकालीन चालुक्य शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, नंबर फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है? वो है अमर
मोगवंश, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग क्या, ये राष्ट्रकूट का संस्थापक था। कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया था। ध्रुव क्या था, ध्रुव ने वत्सराज को हराया था, जो सबसे बढ़िया था, शासक था, उसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पांच रथ जो मंदिरों का निर्माण था वो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस चोल शासक ने तंजौर में भगवान शिव का वर्देश्वर मंदिर बनवाया था? तो राजा राम प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ये गुप्त काल से संबंधित था। चरक जो था वो चिकित्सक था, नागार्जुन गणितज्ञ था, अश्वघोष जैन विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अंगकोरथों वैष्णो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयवर्मा सप्तम ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो सूर्य वर्मा द्वितीय, इसने अंगकोरवाट विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। भद्रवर्मा ने मायसर मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रुत वर्मन ये लव देश का प्रथम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रचना और रचनाकार से संबंधित असंगत युग में है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये भी सही है, दशमलव प्रणाली आर्यभट्ट ये भी सही है, किरातार्जुनीयम ये गलत है। यहाँ किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, धर्मरत्न और मातंग नामक दो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ ले गया था, कौन? 3 नंबर, चीनी सम्राट मिंगती ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सम्राट हर्ष द्वारा रचित नहीं है, इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, हर्षचरित्र ये किसके द्वारा है, बाणभट्ट द्वारा रचित है, बाकी ये तीनों हर्ष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, रतन सागर रत्नादाही रत्न रंजक क्या है, ये पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक किस वंश का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश का विस्तार था। अब देखो चोल वंश का विस्तार कहाँ से था, चोल वंश का था कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य होना चाहिए वो, तो हर्ष का राज्य प्रांतों भुक्ति और विश्व में विपक्त था, ये इसका सही आंसर होगा। आगे चोल राज्य राष्ट्र कूटम और ग्राम में बटा था, यहाँ चोल नहीं होगा, चोल ना होकर यहाँ क्या होगा, पल्लव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के समय वल्लभी और कन्नेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पल्लव ना होकर राष्ट्रकूट होता तब सही होता। गंगाकुंड की उपाधि चोल शासक विद्यालय को मिली थी, यहाँ विद्यालय ना होकर राजेंद्र प्रथम होता तब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगन का आनन मंदिर स्थित है, ये है म्यांमार बर्मा में स्थित है। अब देखो जावा, जावा में क्या है, यहाँ लारो जंगरंग मंदिर स्थित है। लाओस में क्या है, यहाँ के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। श्याम जो है वो थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग में है, श्याम को थाईलैंड कहा जाता है सही है, चंपावन नाम कहा जाता है ये भी सही है, जावा को इंडोनेशिया कहा जाता है ये भी सही, ऑप्शन 3 इसका गलत है।
बर्मा को क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। फायान ने किस शासक के बारे में लिखा, उसकी प्रजा सुखी है, चंडाल के अतिरिक्त कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, लोग घरों के ताले भी नहीं लगाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कला एवं संस्कृति का संयोग माना जाता है, तो माना जाता है गुप्त काल को। मौर्य काल को क्या कहा जाता है? मौर्य काल को भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, चंद्रगुप्त दो सेकेंड के नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अमरदेव नहीं, क्या था? अमर सिंह था, बाकी ये तीनों राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, सारनाथ स्तंभ पर बैल घोड़ा गाड़ी घोड़ा हाथी और शेर की आकृतियाँ, ये सही है। पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चौर धरणी स्त्री की मूर्ति प्रसिद्ध है, ये भी सही है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह की मूर्ति राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका रॉन्ग है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिव की नहीं बल्कि विष्णु की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, सम्राट हर्ष के काल में भूमिकर को कहा जाता था, भूमिकर को कहा जाता था भाग, ऑप्शन नंबर 1। बलि क्या था? बलि जो था वो एक अतिरिक्त कर था। हिरण्य क्या था? हिरण्य नग्ध कर था। मोक्ष परिषद क्या थी? ये एक प्रयाग सभा थी जो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर सम्राट हर्ष अपना सब कुछ दान में दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, अशोक के समय मगध प्रांत उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मध्य देश की। तोसले किसकी राजधानी थी? कलिंग की। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती राष्ट्र की। इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त होता है।